सो गुड इवनिंग गाइस, आज आपका जेईई का पेपर हो चुका है एंड एज पर द एक्सपेक्टेशंस पेपर अगेन बहुत सिंपल था। अगेन जो जेईई का एक पैटर्न है, थोड़ा सा ट्रिकी, अगेन चीजों को घुमा के पूछना आईसीएसआई का एक तरीका है। अगर कॉमन सेंस के साथ इस पेपर को अटेंड किया तो बहुत ईजी रहेगा। तो मैं फटाफट, ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। सो मैं फटाफट डिस्कस करता हूँ, मैं डिटेल में क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा, मैं क्रक्स पढ़ूंगा क्वेश्चन में क्या और आंसर बताऊंगा आपको ओवरव्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज द चार्टर्स ऑफ द सेवरल हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज लेड डाउन द रूल टू डिसाइड अ केस वेदर लॉ ऑन अ मैटर इज साइलेंट, एक्सप्लेन। अब देखिए, इन्होंने बोला कि अगर किसी मैटर पे कोई लॉ साइलेंट है तो कैसे किसी केस को डिसाइड करेगी कोई भी कोर्ट। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ जो पढ़ते हैं उसके अंदर हम पहला सोर्स पढ़ते हैं कि अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो लॉ, अगर लॉ कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम मैटर कैसे डिसाइड करते हैं, तीन चीजों पे, आपका जस्टिस पे, इक्विटी पे और गुड कंसाइज पे। तो उन तीनों प्रिंसिपल्स को आपको यहां पे समझाना था। सेकंड, एक्सप्लेन द टेस्ट लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी इंस्ट्रूमेंटल एजेंसी ऑफ और द स्टेट। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का केस है कि कोई स्टेट जो है, कोई कंपनी जो है या कोई एंटिटी जो स्टेट है या नहीं। तो आपको ध्यान रखा, अजय हसिया वर्सेज खालिद मोहम्मद का एक केस हुआ था, उसके अंदर बिल्कुल बताया गया था कि अगर कैपिटल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी है, मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रही है, एक्सपेंडिचर जो मेट आउट कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग एक टेस्ट दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, तो हमें बताना है कि वो स्टेट है कि नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूटेड मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन इन इफेक्ट। सर देखिए, सर्विस का समन जो हम भेजते हैं उसका सब्स्टिट्यूट मोड क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिफेंडेंट जहां रहता है वहां भेज देते हैं, फिर हम इसको भेजते हैं किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू भेजते हैं। इसका सबका एक्सपेंस कौन उठाता है? प्लेंटिफ उठाता है, ठीक है ना। और अगर कोई पर्सन है तो हम पर्सन भेजते हैं, कोई कंपनी तो कंपनी भेजते हैं। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है जहां से इन्होंने उठा के दिया है। फिर पूछा आपसे इफेक्ट ऑफ रिपील जीसीए के अंदर, तो हमने अभी रिविजन लेक्चर्स में भी इसको रिवाइज किया था, इफेक्ट रिपील शैल नॉट, आपने पढ़ा था। अगर पहले कोई वर्क हो चुका है तो रिपील पे उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि रिवील पहले कोई अगर पेनल्टीज फाइंस अगर आप पे लगे हुए तो वो कंटिन्यू रहेंगे, कोई सब्सिडी मिली तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे। फिर जो क्वेश्चन टू ए जो आता है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड कॉन्ट्रैक्टर बी। अगर आपको ध्यान हो तो हमने यू धार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का क्वेश्चन किया था, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आईपीसी के अंदर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, मैंने क्लास में भी इसको केस स्टडी को सॉल्व कराया था, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब लोगों को लगा कि ये क्या क्वेश्चन पूछा, बेटा बहुत सिंपल पूछा, ओरल एविडेंस जनरली डायरेक्ट ही होते हैं। ओरल एविडेंस देखो, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस डायरेक्ट होने का मतलब वो ऐसे होने चाहिए जिनको हमने खुद ने पर्सनली सीन क्या हो, फियर क्या, सॉरी फील क्या हो, अपने सेंसेस से मैंने ये बात बताई थी, हमने पर्सनली सुना हो, देखा हो, ये इसीलिए कहा गया ओरल एविडेंस हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्ट ही होते हैं, हियरसे और सर्कमस्टेंशियल नहीं होते ओरल एविडेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। तो हमें पता है रनिंग ऑफ टाइम सेक्शन 9 जो आपका लिमिटेशन एक्ट है कि एक बार अगर टाइम चालू हो गया तो वो रुकता नहीं है, सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी, उसको एक्सप्लेन करा था। द बिगेस्ट चेक ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जुडिशियल रिव्यू, हमने पढ़ा था कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कंट्रोल करने के लिए दो तीन तरीके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू था कि कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी अगर कोई भी एक्शन उसको क्या लगता है, इनवैलिड लगता है, उसको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने एक्शन सही नहीं लिया, तो जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लेन करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन आपसे पूछा गया रेमेडीज अवेलेबल इन टॉट अदर देन एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि अनलिक्विड डैमेजेस के अलावा क्या रेमेडीज है, तो आप लोगों ने पढ़ी है, अपने क्लास में पढ़ी, जुडिशियल रेमेडीज और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, आपको उन सबको एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब अगर अभी तक आप देखेंगे तो हमारे मैट को उन्होंने पकड़ के रख रखा है। अभी तक मैंने जो पूरा पेपर का एनालिसिस किया है, जिसने अपना जो अमृतवाणी मैट है हमारा, अगर उसको भी ढंग से पढ़ा तो 74 मार्क्स का पेपर आपका अमृतवाणी से ही मिल रहा है। सेकंड, हाँ डेफिनेटली थोड़ा ये लेंथी जरूर था पेपर। व्हाट आर द रेमेडीज इन द सीआरपीसी वेयर अ वारंट रिमेन अनएग्जीक्यूटेड। मैंने क्लास में कम से कम चार बार बोला होगा, अगर वारंट अनएग्जीक्यूटेड हो जाता है क्या रेमेडीज होती है, सर प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर, हम उसको कहते हैं ना कुख्यात अपराधी डिक्लेयर कर देंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच करेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था यूपी में योगी जी का, तो वही वाली बात है। फिर आपने पढ़ा इसमें एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, या आपने आर्बिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, और फॉरेन अवार्ड कब आपका एनफोर्स होता है, तो आपको डेफिनेटली अजू सर ने बताया होगा कि जब पार्टीज के ऊपर लॉ लगता है या जब प्रॉपर नोटिसेस नहीं दे रखे होते हैं, कंपोजिशन जो होता है आर्बिट्रेशन अथॉरिटी का वो अगर प्रॉपर नहीं होता है तो उन केसेस में अपन इन सबको लेके आते हैं। अब फिर क्या बोला, एक्सप्लेन द लिमिट सेट अप बाय द इंडियन स्टैम्प एक्ट फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंप्रेस स्पॉइल्ड स्टैम्प। ये क्वेश्चन ऐसा था जो अनएक्सपेक्टेड था। देखिए, एक दो क्वेश्चन तो हमेशा मैं कहता हूं 10 टू 16 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जो थोड़े ऐसे होते हैं जो नॉन रेलेवेंट तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा था कि जनरली हम लोग कभी देखते नहीं इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत कम उम्मीद होती है ऐसे क्वेश्चंस के आने की कि लिमिटेशन के टाइम पीरियड आपसे कोई पूछ लेगा। तो मैं फिर भी बता देता हूं, स्पॉइल स्टैम्प्स के ना 2 months और 6 months की लिमिट होती है, जिसको यहाँ पे आपको लिखना था। नाउ फॉर एक्सेप्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री, तो आपको मालूम है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नॉट, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी नहीं होता, सेक्शन 17(2), आपको उसको यहाँ पे लिखना था।
सेक्शन फोर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, सेक्शन फोर ऑफ द आरटीआई एज एंड सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। आपको मालूम है पब्लिक अथॉरिटीज से बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, आपको जैसे ध्यान होगा सर उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स एम्प्लॉय की डिटेल आपको कोई भी आर्ट इसमें से लिखनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, थर्ड आता है टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द आईटी एक्ट। अब देखिए इन्होंने कुछ नहीं पूछा आपको आईटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी पूछ ली, देखिए फर्स्ट शेड्यूल कभी नहीं पूछते एग्जाम में। अब फर्स्ट शेड्यूल में कौन से डॉक्यूमेंट्स कंटेन करेंगे तो आपने अगर पढ़ा होगा, हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी कि आईटी एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, वो यहां पे लिखना था आपको। घुमा के पूछा इस क्वेश्चन को, ट्विस्ट करके पूछा, बट मैंने क्लास में टिक कराया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट द जस्टिफाइबल ग्राउंड फॉर पार्लियामेंट स्टेट जैसे टू पास लॉ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए आर्टिकल 22 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपने पढ़ा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसको लिखना है और कुछ सेफ गार्ड दे रखे डायरेक्टली आप उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बोला गया, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है क्या बोलता है, एक सेकेंड, यस इन द इंटरप्रिटेशन अ जज मस्ट नॉट अल्टर द मटीरियल ऑफ विच इट इज वुवन बट ही कैन एंड शुड आयरन आउट द पीस। यस मैंने आपको बताया था कि देखिए जज के पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि जज अपने हैंड फोल्ड करके नहीं बैठ सकता, उसको रीजनेबल इंटरप्रिटेशन या गोल्डन रूल लगा के मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोला कि जज को मटीरियल चीज को चेंज नहीं करना, उसका इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत एक इंटरप्रिटेशन का बेसिक क्वेश्चन आ गया ये। एक्सप्लेन द प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर मेकिंग ऑफ रूल्स ऑफ बायलॉज। हाँ देखिए रूल्स और बायलॉज जनरल क्लॉज एक्ट का ये अगेन एक ऐसा प्रोविजन था जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट पूछ लिया। बट अगर आप बेसिक अपना माइंड लगाएंगे कोई भी लॉ या बायलॉ बनने से पहले क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास होता है, फिर वो पब्लिश होने जाता है, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट सबको पढ़ाया जाता है, कोई करेक्शन करनी तो करेक्शन करी जाती है, एंड देन फाइनली प्रेसिडेंट साइन करता है, देन उसको ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करते हैं। ये सारी ये बेसिक रूल है। वैसे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके था बट अगर आपका कॉमन सेंस है तो आप उसको कर सकते हैं। नाउ अगेन डिफाइन डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ कलेक्टर एंड कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। यस ये एक और स्टैंप एक्ट में से एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लीक से हटके था। ये डेफिनेटली बहुत ऐसा एरिया होता है जो अनरेटेड होता है, इसको पूछ लिया, इतना अनरेटेड एरिया में से भी क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा स्कोप कम था। तो आपको ये लिखना था कलेक्टर और कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमने स्टैंप एक्ट में जगह जगह कलेक्टर की पावर्स पढ़ी है, तो आप कलेक्टर की पावर्स लिखते हो उसकी जस्ट अपोजिट पावर्स आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी की होती है। जैसे कलेक्टर रिफंड कर सकता है पेनल्टीज का, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी यदि पेनल्टीज के साथ ड्यूटीज का भी कर सकती है। कलेक्टर रूटीन वर्क करता है, वो स्पेसिफिक वर्क करता है, कलेक्टर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती बट इनके पास टाइम लिमिट होती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना था इसके अंदर। फिर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, डू यू कंसिडर देर इज नो एंटीथेसिस बिटवीन इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड कंट्रोलिंग। देखिए अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का अगेन एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं, इसको क्रैक डाउन करना था आपको। ये बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है और जो गवर्नमेंट एजेंसी है ये आपस में कोई कनेक्शन रखते हैं कि नहीं रखते। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कलेक्टर अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है तो हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। उन बातों को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में थीम समझाई थी, आपको यहाँ पे उस थीम को लिखना है। नेक्स्ट स्टेट द प्रोसीजर ऑफ अपील बिफोर द एनसीएलटी। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप कंपनी लॉ भी पढ़ते सेम प्रोसीजर रहता, तो कोई चेंज है नहीं इसमें। व्हाट इज द प्रेजम्पशंस, और प्रेजम्पशंस मतलब अजम्पशंस। तो आपको पता है हम हमेशा पढ़ते हैं कि कोई भी लॉ को इंटरप्रेट करने से पहले हमको कुछ बेसिक अजम्पशंस ध्यान रखने पड़ते हैं कि लॉ को वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे वो बना गया था, ठीक है ना। कुछ जनरल अजम्पशंस डाले होंगे, हम ये मान के चलते हैं कि लॉ गलत नहीं होगा, कुछ मिसचीफ हो गया अगर जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो अगेन इंटरप्रिटेशन की थीम आपसे यहाँ पे पूछ ली। देन एक्सप्लेन द थ्री फंडामेंटल्स टू विच इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज मेड एप्लीकेबल। तो बेटा अगेन इन्होंने पहला पॉइंट पूछ लिया जो आप पढ़ते हैं आईटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव, तो लीगल रिकॉग्निशन वाला पॉइंट, ई फाइलिंग वाला पॉइंट। फिर एक पॉइंट आपको और लिखता था, हमने इंडियन एविडेंस एक्ट और दूसरे एक्ट में भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक थोड़ा सा कनेक्शन देखा है, तो वो एक लाइन और आपको लिखनी थी। तो बेसिकली तीन तो पॉइंट वही थे जो आपके ऑब्जेक्ट्स में दे रखे हैं, एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको लिखना था जो सोच के लिखना था। नेक्स्ट डिस्कस द ग्राउंड ऑन विच कोर्ट कैन एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस। आपको ध्यान है मैंने इसका एक अलग से पॉइंट लिखवाया था कि पब्लिक ट्रंकलिटी को डिस्टर्ब ना कर दे, ब्रीच ऑफ पीस ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक बॉन्ड भरवाते हैं। और अगर वो बॉन्ड एक सर्टेन अमाउंट का होता है, मैंने भी बताया था अगर वो पब्लिक ट्रंकलिटी करता है, ब्रीच करता है, तो बॉन्ड को भी एग्जीक्यूट कर लेते। तो मैंने इसको अलग से इसका पॉइंट आपको लिखवाया था, तो आपको यही यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल लीगल डैमेज इज नीदर आइडेंटिकल विद एक्चुअल डैमेज। कुछ नहीं पूछा इन्होंने आपको, डैमनम्स एंड इंजरी, इंजरीज एंड डैमनम को लिखना था और कुछ नहीं लिखना था। लीगल डैमेज को समझाना था क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था इंजरी होनी चाहिए, कोई लीगल राइट हर्ट होनी चाहिए, और डैमनम्स एंड इंजरी, इंजरीज एंड डैमनम को एक्सप्लेन करना है। सिक्स डी का
लिमिटेशन द सीपीसी एवरी सूट शैल बी इंस्टेड इन कोर्ट विच लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिडिक्शन डिफेंडेंट एक्चुअली रिसाइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, पूछा कि देखिए जनरली तो केस हम वहां फाइल करते हैं जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, इसके अलावा और क्या होता है? तो अपन ने पढ़ा है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट, फिर अपन ने पढ़ा था लोवेस्ट कोर्ट में करते हैं, फिर हमने पढ़ा था पिक्यूनरी लिमिट्स होती है, मैंने इसके अंदर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी एग्जाम्पल दिया था, फिर हमने पढ़ा था कि सर पार्टीशन का केस है। तो वो जो हमने इस वाले सेक्शन से पहले जो सारे प्रोविजन पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है, तो वो वाला पॉइंट लिखना था आपको यहाँ पे। फिर द क्लासिकल रूल दैट नो मैंसरी नो क्राइम, तो पता है बेटा आपको आईपीसी के एक्सेप्शन लिखने थे सर, अगर मैंसरी नहीं है तो कोई क्राइम नहीं, तो सीधा सीधा वो लिखना था। ऑल फैक्ट्स लॉजिकली रेलेवेंट आर नॉट लीगली रेलेवेंट, तो मैंने आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि सर जरूरी नहीं है लॉजिकली जो रेलेवेंट हो वो लीगली भी रेलेवेंट हो, जैसे पुलिस के सामने किया गया कंफेक्शन है लॉजिकली रेलेवेंट है लीगली रेलेवेंट नहीं है, तो ये समझाना आपको यहाँ पे। नेम द काइंड ऑफ सूट फॉर विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय लिमिटेशन एक्ट इज 30 years and 12 years। देखिए ये अगेन अनएक्सपेक्टेड एरिया, आईसीएसआई ने आपसे लिमिटेशन एक्ट 30 years और 12 years में एक आपके डायग्राम बना हुआ, एक टेबल बनी हुई, टेबल याद होनी चाहिए थी वैसे दे रखी है अमृतवाणी में, बट ठीक है वो जनरली कोई भी याद नहीं करता है, बट पूछ लिया आईसीएसआई ने तो हमको वो 30 years और 12 years से केसेस के जो नाम दे रखे दो तीन वो यहाँ पे लिखने थे। एंड सी द रीजन एंड द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसुलेशन एक्ट, तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा आर्बिट्रेशन एंड कंसुलेशन एक्ट की थीम पूछती है कि इसका पर्पस क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको पता है ये एक एडीआर का पार्ट है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, कोर्ट ने इसको क्यों सेटअप किया गया है, सो दैट कोर्ट का बर्डन कम किया जाए, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी थी। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि पेपर थोड़ा सा लेंदी था और कुछ कुछ जगहों पर बहुत टेक्निकल था, बट अगेन अगेन मैं हर बार क्लास में कहता हूँ अमृतवाणी फिर 70 से 75 मार्क्स यहाँ पे आपको दिला के गई है अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बच्चों, ओके बेस्ट ऑफ लक, बाय।